भारत में शक्ति की प्रतीक देवी सती को समर्पित 51 शक्तिपीठ स्थित हैं। शिव के तांडव के दौरान सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए श्री विष्णु ने सती के मृत शरीर को सुदर्शन से टुकड़ों में विभक्त कर दिया था। ये शक्तिपीठ वही स्थान है जहां देवी के अंग गिरे थे। मान्यता है मध्य प्रदेश में सती के 3 हिस्से गिरे थे। इन 3 दिव्य शक्तिपीठों के नाम हैं हरि सिद्धि देवी शक्तिपीठ, शोणदेव नर्मदा शक्तिपीठ और मैहर का माँ शारदा मंदिर। हरि सिद्धि देवी शक्तिपीठ महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित है। नवरात्रि में खास तौर पर मंदिर में उत्सव जैसा माहौल होता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों की देवी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माना जाता है यहाँ देवी की कोहनी का हिस्सा गिरा था। अगला है शोणदेव नर्मदा शक्तिपीठ। मान्यता है कि सती का दाहिना नितंब शोर शक्तिपीठ में गिरा था। 6000 साल पुराना यह मंदिर अमरकंटक में स्थित है। अपनी कारीगरी के लिए जाना जाता है। साथ ही इसके आसपास का मनोरम स्थल अमरकंटक की प्राकृतिक छटा सैलानियों का मन प्रसन्न करती है। बात करते हैं विंध्य के सतना जिले में स्थित मैहर की। यहाँ माँ शारदा की प्रतिमा स्थापित है। मैहर ये देश भर में माता शारदा का एकमात्र मंदिर है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि सती की मृत्यु के बाद शिव के तांडव के दौरान यहाँ देवी का हार गिरा था। मैहर का नाम इसी तरह से पड़ा। इस नाम में 2 टुकड़े हैं, मई यानी माँ और हार यानी गले में पहना जाने वाला आभूषण। इसी से नाम पड़ा मैहर। नवरात्रि में मैहर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। ये श्रद्धालु 1000 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर त्रिकूट पहाड़ी में स्थित माता शारदा का दर्शन करते हैं।